मैं अपने घर में मिट्टी के बर्तन काफी इस्तेमाल करती हूँ, तो इनको खरीदने से लेके इनको डेली में यूज करने तक और इनमें सब्जी कैसे बनाई जाए, ये सब एक स्पेशल प्रोसेस होता है और स्टेप बाय स्टेप होता है, काफी इजी टू फॉलो है। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप ये वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपके मिट्टी के बर्तन एकदम परफेक्ट निकले, जल्दी नहीं टूटे और बहुत लंबे टाइम तक चले। मिट्टी का बर्तन खरीदने के लिए हमें ध्यान रखना है कि बर्तन को हैवी होना चाहिए, मतलब अगर आप हाथ में उठाएं तो काफी भारी होना चाहिए, अगर बर्तन हल्का होगा तो वो टूट जाएगा। तो जैसा जब मैंने फर्स्ट टाइम बर्तन यूज करना शुरू किया था तो मैं ये लेकर आई थी, तो जब मैंने इसको 2 से 3 बार यूज किया उतने में ही ये टूट गया, पूरा नीचे से चटक गया, तो मैंने इसमें पेड़ लगा लिया है। तो जब भी खरीदें ध्यान रखें कि बर्तन को अच्छा हैवी होना चाहिए, नहीं तो वो बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले सीजन कैसे करना है। तो अब हम इन बर्तनों को सीजन करेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, एक कपड़े से इनको बस थोड़ा सा बेसिक साफ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए काफी सारा पानी है मेरे पास एक टब में, और हम इसको डिप कर देंगे। तो देखिए आप इसमें से आवाज सुन सकते हैं ना, क्योंकि ये पोरस होता है तो ये पानी को अब अच्छे से अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो ये दूसरा बर्तन भी मैं इसमें डाल दूंगी, और हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो है पूरी तरह से पानी में डिप रहे। तो पानी थोड़ा कम लग रहा है, मैं पानी और भर दूंगी। तो ये देखिए अच्छे से ऊपर तक भर गया है, और अब हमें इसको 24 घंटे तक इसी तरह पानी में डिप रहने देना है। बस शाम को हम क्या करेंगे, एक बार आके इनको पलट देंगे जिससे कि अच्छे से डिप रह सके और इसका जो हर कोना है वो पानी अच्छे से सोख ले। ये देखिए मैंने इन बर्तनों को पूरे 24 घंटे सोक कर दिया था, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। और हमें क्या करना है, इनको पूरी तरह से सुखा देना है। अब तो आप चाहो तो धूप में रख लो या किचन स्लैब पे छोड़ दो, अगर किचन स्लैब पे छोड़ोगे तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा सूखने में, धूप में रख देंगे तो 1-2 घंटे में ये सूख जाएंगे। और जब ये सूख जाएंगे अच्छे से फिर मैं आपको दिखाऊंगी आगे का प्रोसेस। और ये जो पानी बचा है आप इसको फेंके नहीं, आप इसको पौधों में डाल दें या फिर आप वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं, पोछे के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए कढ़ाई जो है बिल्कुल अच्छे से सूख गई है, और अब हमें इसकी करनी होगी ऑयलिंग। तो ऑयलिंग बहुत अच्छे से करते हैं, मतलब काफी सारा तेल लगता है इसमें, कोई सा भी तेल यूज कर लें। और इसको अच्छे से कॉटन ले लें और इसको हमें चारों तरफ से ऑयल करना है, मतलब नीचे ऊपर हर तरफ ऑयल लगाना है। तो ये प्रोसेस जो है सिर्फ एक बार का होता है सीजन करने का, अगर आप सीजन नहीं करोगे और कढ़ाई को ऐसे ही आँच पे चढ़ा दोगे तो ये टूट जाएगी। तो इसको बहुत अच्छे से कॉटन से अच्छे से तेल लगा के चारों तरफ, और फिर हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे। तो कॉटन से नहीं तो ब्रश से कर लीजिए, पर मैंने देखा कॉटन से ना अच्छे से लग जाता है, ब्रश से कहीं कहीं छूट जाता है। तो अभी आप देखेंगे ना ये सारा तेल जो है एकदम एब्जॉर्ब कर लेगी कढ़ाई। तो ये देखिए सोखना इसने शुरू कर दिया है ना, तो हम क्या करेंगे इसमें थोड़ा सा और तेल लगाएंगे। और एक बार अगर आप जब आप मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आपको इतनी आदत पड़ जाएगी उसकी कि आपको और किसी बर्तन में पकाने का मन ही नहीं करेगा। खाना टेस्टी तो बनता ही है, साथ में न्यूट्रिशियस भी बहुत होता है। तो बस हम इसको अब क्या करेंगे, फिर से 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे कि जो कढ़ाई है ये तेल को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। तो ये देखिए कढ़ाई ऑयल करने के बाद कुछ इस तरह की हो जाती है, सारा का सारा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेती है। और अब हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले चावल बनाने हैं। तो मैं आपको पहले एक कढ़ाई के साथ दिखा देती हूँ, और जब भी मुझे ये दूसरी कढ़ाई इस्तेमाल करनी होगी तब मैं इसमें सबसे पहले चावल ही बनाऊंगी। तो मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और हम इसमें डाल देंगे पानी। तो इसमें काफी सारा पानी डालेंगे हम, जिससे कि कढ़ाई में ऊपर तक पानी रहे, मतलब मैं इतना डाल रही हूँ जब ये बॉईल होगा तो अपने आप ही ऊपर तक आ जाएगा। हम इसको ढक देंगे और पानी को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। तो यहाँ पे जब हम कढ़ाई को गैस के ऊपर रखते हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर ऑयल लगाया था, और जब हम इसको आंच पे रखते हैं तो इसमें से हल्का सा धुआं निकलेगा, तो आप घबराइएगा नहीं, वो नॉर्मल सी बात है बिल्कुल। तो ये देखिए पानी भी थोड़ा गर्म हो गया है, तो हम इसमें चावल डाल देंगे। तो हमें इसको बिल्कुल वैसे ही पकाना है जैसे कि हम नॉर्मल चावल पकाते हैं, इसको पकने में ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का टाइम लग जाएगा। तो ये देखिए चावल बहुत अच्छे से उबल रहा है और पानी आप देख रहे हैं ऊपर तक आ गया है। इसको बीच बीच में मिलाते रहेंगे, और आप ध्यान रखें कि जब भी आप मिट्टी का बर्तन यूज करें तो उसमें लकड़ी से चलाएं, स्टील से चलाने से कई बार उसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं और थोड़ा टूटने का भी डर रहता है। तो बस इस चावलों को हम पूरा पका देंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि इसकी सफाई कैसे करनी है। तो ये देखिए चावल बनकर बिल्कुल तैयार है, हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए चावल हमने निकाल लिए हैं, और अब मैं क्या करूंगी, ये जो बचा हुआ चावल का पानी है इसको हम दूसरी वाली कढ़ाई में डाल देंगे।
और इसको भी कम से कम 10 मिनट उबलने देंगे। तो अब आपको इसमें दोबारा चावल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो हमने चावल का बचा हुआ पानी डाला है इसी से कढ़ाई सीजन हो जाएगी। तो आप इसको कम से कम 8 से 10 मिनट तक इसी तरह उबालें, और तब तक मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कढ़ाई को साफ कैसे करना है। मिट्टी की कढ़ाई या किसी भी मिट्टी के बर्तन को यूज करने के लिए साबुन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो सबसे पहले हम इसको सादे पानी से एक बार वॉश कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, तो नॉर्मल सादा नमक है ये। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा नींबू, और आप इस तरह का कोई भी स्क्रब ले लें और बस धीमे हाथों से इसको रगड़ दें। तो ये देखिए कढ़ाई को मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है, और अब बस इसको थोड़ी देर के लिए धूप में सुखा दें। और ये आप अगली बार आप इसमें कोई भी सब्जी, किसी भी तरह का चावल, कोई भी ग्रेवी बना सकते हो। तो ये देखिए मेरे कुछ ये मिट्टी के पुराने बर्तन हैं, कुछ समय यूज करने के बाद ये बेस से भी काले हो जाते हैं और नीचे से भी काले हो जाते हैं, तो इससे कुकिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग बोलते हैं अगर इसमें मिट्टी लगा दी जाए नीचे तो ये बर्तन काले नहीं पड़ते हैं, तो मुझे तो आइडिया नहीं है। तो मैं तो इसको नॉर्मल सिर्फ नींबू और नमक से ही धोती हूँ। तो कई बार लोग बोलते हैं कि जब वो मिट्टी के बर्तन में कुछ टाइम तक कुकिंग कर लेते हैं उसके बाद इसमें एक अजीब सी महक आने लगती है, तो उसके हटाने के लिए क्या करना होता है, हम बर्तन को पहले गैस पे खाली चढ़ा देंगे और कुछ देर तक गर्म होने देंगे। तो देखिए मैंने इसको 2 से 3 मिनट तक ही गर्म किया है, और अब देख सकते हैं इसने काफी सारा जो है ऑयल रिलीज किया है। तो ये पुराना वाला ऑयल होता है जो कि मिट्टी के बर्तन में अंदर चला जाता है क्योंकि ये पोरस होता है। तो बस हम क्या करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे और इसको किसी भी कागज या कपड़े से आप साफ कर दें। तो आपको ये प्रोसेस हर बार खाना बनाने के पहले इस बर्तन में करना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर खाने में थोड़े दिन में एक अजीब सी महक आने लगेगी। तो ये तेल है जिसकी वजह से खाने में महक आती है, अगर इसको पहले साफ कर दिया जाए फिर आपका खाना मिट्टी के बर्तन में एकदम परफेक्ट बनेगा। तो बस अब ये बर्तन खाना बनाने के लिए तैयार है। तो अब आप इसमें दाल बना लें या फिर आप किसी भी तरह के तड़के वाली सब्जी बनाएं, ये हर चीज में उपयोग हो सकती है। तो आपने देखा कि मिट्टी के बर्तनों को कैसे खरीदना है, कैसे मेंटेन करना है और उनको कैसे इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा प्रोसेस होता है, पर अगर आप फॉलो करेंगे तो मिट्टी के बर्तन बहुत लंबे टाइम तक चलेंगे। तो आप भी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करिए, ये सेहत के लिए भी अच्छे हैं और इन्वायरमेंट के लिए भी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया हो। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।